हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है रजाइयों से। दिल्ली में ठंड बहुत बढ़ गई है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है हम सबको। आज हम सबको जाना है, एक फैमिली फंक्शन है हमारा, मैरिज पे जाना है। उसके लिए तैयारियाँ स्टार्ट है और मेड भी नहीं आई आज, एज यूजल उसने छुट्टी मार ली है। दीदी मेरी आई हुई है, ये सब मेरी सिस्टर इन लॉ है और ठंड लग रही है बहुत सबको। क्या प्रोग्राम है आज? आगे जाना है हापुड़ की तरफ, हापुड़ की तरफ। और अब देखते हैं कि आज हम कितने बजे पहुंचेंगे। ये आज हमारा पैक जाने वाला है और बहुत मजा आने वाला है आज। आज आपको हमारे साथ बने रहना होगा, बहुत मजा आएगा। ये बोले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जरूर देखना, जरूर देखना। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमने जाना है फंक्शन पे, मैरिज है, तो तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी? साढ़े चार हो चुके हैं। साढ़े चार, 4:30 हो चुके हैं, 4:10 हो रहे हैं। चलो 4:10 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक हमारे घर में एक जहर बुझी नागिन आ गई है। क्या बातें करो दीदी, देख लो इनको, बिल्कुल भी सच्चे में आता नहीं है ब्लॉग बनाना। जहर बुझी नागिन ऐसे बोलते हैं तो क्या हो गया? ये नायक मजाक होता है यार। जहर पूजी नागिन मजाक होता है ये। तो जहर पूजी नागिन क्या मजाक है? जहर पूजी नागिन, नागिन की शक्ल तो दिखाने दो ना। ये देखिए नागिन, नागिन गिन 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 गिन, नागिन गिन 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 गिन। आंखें देखो भाई साहब, पिक्चरों में जो मैंने आज देखी थी नागिने आती थी, वो जो टीवी में, वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट, नहीं नहीं वो टीवी में कितने वो आती हैं। आईज देखिए, लुक एट, मैंने जरा आईज दिखाओ, जरा आईज, आंखें बंद करके खोलो, अभी आप बाद में देखना, आंखें बंद करके खोलो, एक बार खोलो, पूरा रेडी होने दो एक बार। नहीं पॉल, जो टीवी में प्रोग्राम कौन सा आता था वो नागिन वाला, तीन तीन विश करने आ चुकी हैं, विश करने, आंखें खोल के दिखाओ, प्लीज आंखें खोलो, आंखें एक बार बंद करके खोल दो एक बार। तो प्यारे भाइयों और भाइयों की बहनों, हम चल पड़े हैं। अब आपको जाना है, 2 घंटे का रास्ता है, ऑलरेडी लेट है, 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। बाकी तैयार श्यार लग ही रहे हैं, थोड़ा लग रहा है ना, ओके रिपोर्ट लग रही है। हाँ हाँ। ओके, तो वहाँ जाते हैं, आपको फिर दिखाते हैं क्या धमाल होता है आज। तो जी हम आ गए हैं गाजियाबाद से आगे, कोई पिलुखुआ करके जगह है, वहाँ तक आ गए हैं और टाइम इस समय 8 बज रहे हैं। 6:30 निकले थे, आपको मैंने बताया था 6:30, 8 बज रहे हैं। सुनसान रास्ता लग रहा है, सुनसान, दिखाओ रोड, दिखाओ रोड, दिखाओ, सुनसान है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, या कोई लूटपाट ना हो जाए नई जगह जाने में, यही घर डगब के साथ ना बंदा ना बंदे की जान, बच्चों को भूख लग रही है। तो शादी में पहले अंदर जाके खा लेंगे फिर बाहर निकल आएंगे। क्या कह रहे हो? मैं कह शादी में अंदर जाके पहले खा लेंगे फिर बाहर निकल आएंगे, बारात में थोड़ा डांस वांस कर लेंगे। वैसे आप थोड़ी लाइटिंग आ गई है, थोड़ा दुकानें वगैरह बीच में, थोड़ा सुनसान रास्ता था, पहुंच गए तो हम पहले पहुंच गए, बारात से पहले पहुंच गए, हम तो पहले आ गए हैं, कोई है नहीं, कोई को वेलकम करेगा कौन? बरातियों का स्वागत आप पान पराग से कीजिए, लीजिए पान पराग। भैया ये कौन सी जगह है? और गार्डन का नाम क्या है? आरएस गार्डन, यही आना है हमने। हमारी गाड़ी कहाँ पार्क होगी? बैंक के बराबर से अंदर है, बैंक के बराबर से अंदर, लेफ्ट और राइट उल्टे खड़े हैं, गेट पर लड़के खड़े हैं, लड़के खड़े हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद, सवारी उतरो, सवारी से गेट। तो ये है पार्किंग, हाँ घुमा लो यहाँ पर, तो भी तो हम घूम रहे थे, पार्किंग अभी क्यों लगा रहा है? अरे बाबू तो जी खाना पीना हमने स्टार्ट कर दिया है अभी, बारात अभी अंदर आई नहीं है, लेकिन हमको बहुत भूख लग रही थी तो हम लोग अंदर पहले ही आ गए हैं, और अभी थोड़ा सा स्नैकिंग टाइम हो जाए हमारा। तो जी भल्ला पापड़ी भी खाई जा रही है, बाराती बाद में आएंगे, पहले खा रहे हैं भैया, आपके आने से पहले सब कुछ खाते हैं, हम दिल्ली वाले हैं, सब चलता है। दीदी आप भी लगे पड़े हुए हैं सब कुछ खाने में, भूख लग रही है। अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा है और हमने बहुत सारा खा पी भी लिया है।
दिल्ली की शादियाँ सर्दी में खूब मजा आता है। हम लेडीज को जितना मर्जी सर्दी लग रही हो लेकिन पहनने हमने अपनी पसंद के कपड़े ही होते हैं, स्वेटर वेटर नहीं पहनते। भाई बहन लगे हुए हैं, वैसे तो सारा दिन लड़ते रहते हैं, यहाँ बड़ा प्यार आ रहा है इन दोनों को आपस में। रसमलाई खा रहे हैं। आज मैंने अपना और दीदी का मेकअप किया है, आप बताना कैसा लग रहा है मेरा मेकअप और दीदी का मेकअप भी। दीदी का हेयर स्टाइल भी मैंने किया है, अपना भी हेयर स्टाइल मैंने खुद किया है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पे तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, इट्स मी मेकअप बिंद्रा, और मैं सारा अपना मेकअप रिलेटेड वर्क वहीं पर पोस्ट करती हूँ। तो जी ये हम दूल्हे मियाँ की गाड़ी में बैठ गए हैं, दूल्हा मसाल हमारा आ गया है। दूल्हा क्या मेरा भांजा है, तो बस आज इसी की शादी है। गाना भी चल रहा है देखो पीछे, यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है। नानू ये सासू माता बनने जा रही है। चार भी बजने वाले हैं और हमारा देखो आधा दिखाओ ना मेकअप वेकअप तो रास्ते में से ही हमने अपने उतारने शुरू कर दिया। लैशेस का बोझ नहीं उठा रहे जा रहा था, आज शिमला वाली ठंड थी, बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी। एंड गॉड ब्लेस द कपल, अब हम घर पहुंच गए हैं। होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। और हम घर पहुँच गए हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। घड़ी की सुई में टाइम दिखा दो, ये 4 बजे। तो जी इसी के साथ हम भी ब्लॉग को एंड करते हैं, गुड नाइट। वैसे तो गुड मॉर्निंग हो गई है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर।